दोस्तों, इस वक्त आपके स्क्रीन पर आप जो ये प्रोटेस्ट देख रहे हैं, ये औरंगाबाद में हो रहा है और ये हो रहा है रामगिरी महाराज के खिलाफ, जिसने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ऐसा बयानबाजी किया है कि जिसको मैं आपको सुना भी नहीं सकता। अब इसको लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि एक धार्मिक कार्यक्रम में, जिनका नाम रामगिरी महाराज है, उन्होंने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कुछ ऐसी बयानबाजी की है कि जिसके बाद ये गुस्सा आपको लोगों के अंदर दिखाई दे रहा है। मैं आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहता हूं, आप देखें लोग किस तरीके से सड़कों पे उतरे हुए हैं और रामगिरी महाराज के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। वीडियो देख लिया आपने, बताया जा रहा है कि ये एक धार्मिक कार्यक्रम में थे, ये अपनी बात करने की जगह मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने लगे, मुसलमानों के पैगंबर को लेकर ये अनाप शनाप बातें करने लगे और उसके बाद इन्होंने कुछ ऐसा कहा है कि जिसको लेकर यहाँ पर आपको प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि देश के हर राज्य में इनके खिलाफ FIR होना चाहिए, वरना लोग सड़कों के ऊपर उतरेंगे और उसके बाद इनको लेकर अगर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो देश के हर राज्य में इनके खिलाफ FIR करवाया जाएगा। एक यूजर है समीउल्ला खान, वो लिखते हैं, ब्रेकिंग FIR हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर BNS 299 अगेंस्ट द हेट मॉन्गर गंगागिरी महाराज फॉर इंसल्टिंग प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट जलगांव जमोद पुलिस स्टेशन महाराष्ट्र। मुस्लिम स्पेस की ये खबर देखिए, मुसलमानों ने रामगिरी महाराज के कथित भाषणों को लेकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। औरंगाबाद में धार्मिक उपाध्यक्ष रामगिरी महाराज के बयान को लेकर मुसलमानों ने विरोध प्रदर्शन किया और उन पर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बयान देकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। इस खबर को लेकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।